नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह समय पे उदित और अस्त होते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि शनि ग्रह उदित होकर अखंड साम्राज्य राजयोग बनाने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिनको इस समय धन लाभ और उन्नति के आसार हैं। तो आइए जानते हैं ये भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं। मकर राशि। अखंड साम्राज्य राजयोग बनने से मकर राशि के जातकों को सफलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनि देव आपकी राशि से धन भाव में उदित होने जा रहा है, जिसे धन और वाणी का भाव माना जाता है। इसलिए समय आपको अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। वहीं इस समय आपकी वाणी का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपको प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। जिन लोगों को मीडिया, फिल्म लाइन और मार्केटिंग वर्कर है, उनको इस समय बेहतर साबित होगा। धनु राशि। आप लोगों के लिए अखंड साम्राज्य राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनि ग्रह आपकी राशि से तीसरे भाव में उदित होंगे। इस समय शनि देव बलवान होते हैं, इसलिए समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही इस गोचर के दौरान आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे। इस दौरान आप संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। ये निवेश आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। जिन लोगों का व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ है, इस समय विशेष लाभ हो सकता है। मिथुन राशि। अखंड साम्राज्य राजयोग मिथुन राशि के लोगों को अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव में उदित होने जा रहे हैं। इसलिए समय आपको भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही जो काम अटके हुए थे वो बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही आप इस अवधि में काम कारोबार के संबंध में यात्रा कर सकते हैं, जो आपको लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल।